हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ सुमन और आप सभी का स्वागत है सुमन्स मेकओवर में। सो आपने देख मेरा मेकअप जो लुक है वो देख लिया, उसी का ही मैं अभी क्रिएट करके आपके सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो चलिए मेकअप को स्टार्ट करते हैं एंड बातें करते रहेंगे। सो पहले क्लींजिंग करने के बाद अप्लाई कर रही हूँ टोनर। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का टोनर एंड देन उसके बाद रिकोट का मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र जो है अभी विंटर सीजन आ ही गया है, सो आपको बहुत ही अच्छा ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होगा जिससे कि आपकी स्किन जो है हाइड्रेटेड बनी रहे एंड उसके बाद लिप्स को भी आपको हाइड्रेट करके रखना होगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको 10 सेकेंड का गैप लेकर एंड उसके बाद यूज़ करना होगा प्राइमर। सो मैं आज जो प्राइमर यूज़ कर रही हूँ वो है इम्ब्रॉयलीज़, जो विंटर सीज़न के लिए बहुत ही सूटेबल, बहुत ही अच्छा होता है एंड मोस्ट प्रोबली जो ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन होता है ऑयली स्किन पे भी ये सूट करता है, बट अमाउंट जो है वो आपको समझ कर अप्लाई करना होगा। सो यहाँ जो आप देख सकते हो मैं पूरे फुल फेस पे नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ टी जोन एरिया छोड़ दी हूँ क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ा सा ऑयली होता है क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन है एंड इसीलिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ दोबारा एक और प्राइमर, वो है रिकोट की प्राइमर। सो ये रिकोट का जो प्राइमर है आप देख सकते हो मैं सिर्फ अपने टी जोन एरिया पे और थोड़ा सा जहाँ पोर्स है रहते हैं वहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि जो पोर्स है वो ब्लर दिखे और मेकअप जो है बहुत ही स्मूथ और फाइन लगे फाउंडेशन जो है। सो इस तरह से मैं दो मॉइस्चर सॉरी प्राइमर यूज़ करती हूँ। सो अब आ जाते हैं क्रायलॉन का जो सबसे मेन पार्ट है फाउंडेशन और कंसीलर। सो क्रायलॉन से आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये बेस को तैयार। सो यहाँ पे मैं एक डार्कर शेड ले ली हूँ क्रायलॉन सुप्रा से और उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने डार्कर शेड जैकेट एरिया पे जहाँ पे मुझे प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं मेरे एंड उसके बाद मैं वहीं से ही एक शेड ली हूँ जो लाइटर शेड है करेक्टर को मेरा कंसील करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो इस तरह से मैं फिंगर से पहले रब करके अप्लाई करती हूँ देन उसे मैं ब्लेंड करती हूँ। तो आप ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं कर रही हूँ फाउंडेशन, आप देख सकते हो मैं दो फाउंडेशन यूज़ की हूँ, वो है एक पैक और एक एले गर्ल की फाउंडेशन जो दोनों ही हाइड्रेटिंग और ल्यूमिनस फाउंडेशन है और ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए प्लस ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है एंड विंटर सीजन में तो ये बहुत ही कमाल का फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा काम करता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो इस तरह से ब्रश से मैं पहले अप्लाई करती हूँ देन काबुकी ब्रश से करती हूँ डैबिंग मोशन में अप्लाई फाउंडेशन को जिससे कि कवरेज जो है बहुत ही अच्छा मिलता है। सो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो देन ब्यूटी ब्लेंडर से मैं पूरे फेस को एक अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, मर्ज कर लेती हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन या केकी सा कुछ भी लुक ना दिखे और अच्छे से सब चीज़ ब्लेंडेड दिखे। इसके बाद आ जाते हैं हम ब्लश पार्ट पे। तो ब्लश जो है मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की जो मैं दिखाना भूल गई, सो आप उसे यूज़ कर सकते हो एंड ठंडी में तो विंटर में बहुत ही अच्छा ज़्यादा ग्लोई लगता है अगर आप ये लिक्विड ब्लश यूज़ करोगे तो। देन मैं कर रही हूँ ये पाउडर लॉकिंग। सो पाउडर लॉकिंग जो है मैं फर्स्ट कॉम्पैक्ट से कर रही हूँ, ये मैं फर्स्ट नया हैक देखी हूँ यूज़ कर, इस तरह से बहुत ही बढ़िया वाला लुक क्रिएट होके आता है, अच्छे से सेट भी हो जाता है। देन उसके बाद मैं लूज़ पाउडर से सेट करूँगी। सो लूज़ पाउडर से आपको बहुत ही अच्छे से हर एक जगह को आपको फेस पे अप्लाई करना होगा जिससे मेकअप जो अच्छे से लॉक हो जाए। सो विंटर में ऐसा मिथ है कि पाउडर ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, बेस मतलब केक ही सा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आप क्वांटिटी देखना बट मेकअप पाउडर ज़रूर यूज़ करना। सो अब आ जाते हैं आई मेकअप के पार्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हो मैंने कंसीलर यूज़ कर लिया है। सो यहाँ पे मैं नीचे पहले फर्स्ट काजल अप्लाई कर ली थी, रिकोट की काजल अप्लाई की हूँ एंड और काजल लगाने के बाद फिर मैं कंसीलर से अपना बेस जो तैयार की हूँ उसके बाद मैंने आई बेस एंड देन उसके बाद मैंने
ये एप्लीकेशन आई शेडो का स्टार्ट किया है लगाना। तो सबसे पहले एक लाइट सा पीची सा सेड आप देख सकते हो, ब्राउन कलर की पीच सा सेड है। सो उसे मैं फुल लीड पे लगाऊंगी। पहले थोड़ा थोड़ा कलर्स पहले लेकर अप्लाई करना होता है, देन आप उसे अच्छे से पूरे इवनली अप कर देना है आई आई के ऊपर। तो ये आई जो है एक स्मोकी सा आई है, आप इसे ब्राउन स्मोकी भी कह सकते हो, सेमी स्मोकी ये आई मेकअप है। बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लगता है, बिगिनर्स हो अगर आप सेल्फ के लिए कर रहे हो एंड अगर पार्टी मेकअप के लिए करना है, बहुत ही सुंदर लगता है गाइज। आप बिलीव नहीं करोगे जब ये कंप्लीट होगा तो आप देखना, आई जो है बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह से अगर आई मेकअप करोगे तो। मुझे तो ये आई जो मेकअप है बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्दी और अच्छा इजी वाला लगता है। तो इसके बाद मैंने देखी काजल को स्मच कर रही हूँ, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है ये आई मेकअप आई की। सो उससे आप पहले एक ब्राउन डार्क ब्राउन शेड से लेकर देन थोड़ा सा ब्लैक में डीप करके मैं इसे स्मच। सो गाइज आपको मेरी जो ये वीडियोस है मेकअप की कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना एंड फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, होपफुली ये आपके काम ज़रूर आएगी। मेरी जो ये वीडियोस है वो बहुत ही मेहनत लगती है एडिटिंग एंड उसे इसे आपके सामने लाने में। सो इसका जो एक है आप मेरे सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना। चलिए तो आगे मैं दिखाती हूँ कि इसके बाद मैं जो आई का लुक और मेकअप है वो कैसे कंप्लीट की। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक आईब्रो पोमेड, क्योंकि मेरे पास ब्राउन काजल गया ब्राउन पोमेड कुछ भी नहीं था। सो इसीलिए मैं इसे ही अप्लाई कर रही हूँ। तो आप चाहो तो ब्राउन कलर की जो काजल होती है पोमेड होती है आप उससे भी ये लुक कर सकते हो। सो इस तरह से मैं एक आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ जो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से, देख सकते हैं आप इस तरह से, एंड उसे एक अनइवनली जैसे प्रॉपर आईलाइनर नहीं करना होगा, इस तरह से आपको अप्लाई करके उसे स्मच करना होगा। तो स्मच जो मैं कर रही हूँ वो एक डार्कर सा ब्राउन शेड है, उसको उसी के हेल्प से आप देख सकते हो इस तरह से उसके ऊपर रख कर मर्ज करना होता है। सो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा लेकर पूरा फुल्ली मर्ज कर देना होगा इस तरह से, एंड देख सकते हो आप एक सेमी स्मोकी आइज बन के तैयार है मेरी ये जो आई मेकअप है। सो मैं जा रही हूँ लैसेस अप्लाई करने। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगा कि लैसेस आपकी जो आई लेंथ है वो उससे बड़ी है तो आपको हमेशा क्या करना होगा, लैश की जो आपकी इनर साइड है आपको उस उधर उधर से ही मतलब आई मीन यहाँ से ही आपको कट करना होगा, आप आउटर से कट मत करना कभी भी। ओके सो मैं यहाँ से इतना कट करूँगी मेरे लेंथ के हिसाब से। सो आप ऑलवेज एक बार लगा कर अपना आईज के ऊपर इसे देख लेना कि आपकी कितना मतलब ये लेंथ जो है ये निकला हुआ है, देन उसके बाद आपको कट करना। ओके तो मैंने इतना कट किया एंड उसके बाद ग्लू लगाऊंगी एंड अप्लाई करूँगी। सो यहाँ आपने देखा मैंने आईलैश कैसे अप्लाई किया। सो इसके बाद देखिए मैं इनर्स कॉर्नर को जो है हाईलाइट कर रही हूँ। तो आज जो यूज़ कर रही हूँ वो हाईलाइटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक सीमर यूज़ कर रही हूँ। सो एक वाइट और मान लीजिए एक सिल्वर कलर की सीमर है जो आज मैंने कुछ नया ट्राई किया। सो इस तरह से मैं इसे ब्रो बोन पे भी
अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से स्मज कर रही हूँ ताकि कुछ एक उभड़ा हुआ सा ना दिखे और एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा हाइलाइटर हाइलाइटिंग का काम करे और अच्छा से ये क्रिएट होकर निकले दिखे। सो आप देखना इस तरह से भी आप अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं, आप हाइलाइटर आज नहीं करना चाहते हो, आप इस तरह से सीमर जो होते हैं आते हैं उसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है। देन मैं जो हाइलाइटर आज यूज़ कर रही हूँ वो है होजो की हाइलाइटर और इस तरह से देखिए मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ एंड पहले थोड़ा थोड़ा सा इसे लेकर अप्लाई करके इसे अच्छे से ब्लेंड करना होता है। इसे रख कर आप मत छोड़ना, इसे अच्छे से ब्लेंड करना इसे ताकि जो हाइलाइटिंग है ना वो अच्छे से स्किन पे डिजॉल्व हो जाए, अच्छे से ब्लेंड हो जाए। देन उसके बाद मैंने फ्लफी सा एक ब्रश लिया है एंड उसे हर किसी चीज़ को डस्ट ऑफ कर दिया जो भी मैंने एक्स्ट्रा पाउडर अप्लाई करके रखा था। उसके बाद मैंने लोअर लैश में भी आपने आप देखोगे मस्करा वगैरह अप्लाई किया है। देन पूरा एक ब्लेंडर लेकर अच्छे से मैंने जो भी लगाया हुआ था हाइलाइटर प्लस पाउडर सब चीज़ को एक बार फिर से सेट कर लिया है और सेटिंग स्प्रे दोबारा से लगा लिया है। सो फुल लुक कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया वाला फुल मेकअप निकल के आया है। सो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करके रखना ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाए। अभी वेडिंग सीज़न है तो मैं ऐसे वीडियो और भी लाऊँगी ताकि आप सभी को बहुत सारा हेल्प मिले। तो बाय बाय।